स्टॉप बिलीविंग फेक मीडिया, वी गिव यू इन्फॉर्मेशन विद साइंटिफिक एविडेंस। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा चौहान, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में। एक आमतौर पर वेट लॉस की एक जो चाहत होती है, ये सभी इंडिविजुअल्स में होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पर्टिकुलरली जो टीनेज पीपल होते हैं, 25 साल से लेके 40 साल के तक के जो लोग होते हैं, वो अपने वेट के लिए काफ़ी कंसर्न होते हैं। और हर कोई अपना वेट, चाहे वो हेल्दी इंडिविजुअल भी हो, वो कम से कम 1 या 2 किलो तो घटाना ही चाहता है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना वेट कैसे मेंटेन करते हो, अब मैं उन्हें क्या सलाह दूँ क्या नहीं दूँ, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये काफ़ी लेंथी है और इसको 5-10 मिनट में समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि जो एक नॉर्मल कैलोरी इनटेक एक हेल्दी इंडिविजुअल को करना चाहिए वो आपको पता चल जाए। तो जो फीमेल्स में एक जनरल बात बोली जाती है, फीमेल्स हो या मेल हो, कहा जाता है फीमेल्स में 2000 किलो कैलोरी और मेल्स में 2400 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आप इतना कैलोरी डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर पाएंगे। बट अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको क्रैश डाइट करके सडन वेट लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है और वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों पे ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरी आपको चाहिए होती है, और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेली कि आपको कितना कैलोरी खानी है, कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को बिना एक कैलोरी को काउंट करे या कैलकुलेशन करे बिना। मैं आपको बताऊंगी, एक जनरल आइडिया आपको दूंगी कि कैसे आप नॉर्मल जो कैलोरी इनटेक है डेली कैसे कर सकते हैं, यानी कि लेडीज़ को 2000 किलो कैलोरी और मेल्स को जो है 2400 किलो कैलोरी डेली कैसे लें, जिससे कि आपका एक हेल्दी वेट बना रहे। तो सबसे पहले आपको अगर 2000 कैलोरी खानी है और मेल्स को जो है 2400 किलो कैलोरी खानी है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरी है। अब हर इंसान जो है दिन में 5 तरह के आइटम्स तो खाता ही है। अब पांचों तरह के आइटम्स में आपको पता होना चाहिए इन जनरल कितनी कैलोरी हैं। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, नट्स में आपको कैश्यू भी खाते हो, पीनट्स भी खाते हो, आमंड्स भी खाते हो, किशमिश भी खाते हो, तरह तरह की चीज़ें खाते हो, तो उन सब में अलग अलग कैलोरी होती है। बट इन जनरल जो है एक कैलोरी का एक लेवल जो है वो सब में लगभग बराबर होता है। यानी कि पीनट्स में लोगे तो थोड़ी ज़्यादा होगी, आमंड लोगे तो थोड़ी कम होगी। आमंड में लगभग 500 कैलोरी होती है, पीनट्स में लगभग 620 के लगभग कैलोरी होती है। तो मैं जो आपको बताऊँगी कैलकुलेशन के लिए, वो एक जनरल आइडिया दूंगी ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किसमें कितनी कैलोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की। पर 100 ग्राम में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सीरियल्स में पर 100 ग्राम में लगभग 350 कैलोरी होती हैं। वीट में 345 होती है और मेज़ में 350 के आसपास होती है, और दूसरी तरह के सीरियल्स में 355 के आसपास होती है। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं 350, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो 350 कैलोरी आपकी होगी सीरियल्स में। इसी तरह पल्सिस का भी नंबर आता है, पल्सिस में भी कुछ में होती है 345, कुछ में होती है 365, कुछ में होती है 370, कुछ में होती है 360। तो हम मान के चल रहे हैं ऑन एन एवरेज 350 कैलोरी पर 100 ग्राम पल्सेज में होती है, यानी दालों में पर 100 ग्राम में 350 कैलोरी होती हैं। सीरियल्स में 350, पल्सेज में 350 हो गई। अब बात आती है फ्रूट्स की। जो फ्रूट्स में काफ़ी मीठे फ्रूट होते हैं उसमें 100 के आसपास होती है। कुछ फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे नहीं होते, गवावा वगैरह, गवावा हो गया या एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गए, उसमें 45 से 50 के आसपास होती है। कुछ दूसरे फ्रूट्स जो होते हैं जैसे अंगूर वगैरह, उसमें 70 के आसपास होती है। यानी कि 50 से 90 के या 100 के आसपास फ्रूट्स में जो कैलोरी वेरी करती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि फ्रूट्स में 50 से 90 तक की कैलोरी ऑन एन एवरेज मिलती है। अब बात आती है सब्जियों की। सब्जियों में भी जो कैलोरीज होती है, ज़्यादातर सब्जियों में जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, तोरी हो गई, इन सब चीज़ों में 40 या 50 तक की कैलोरी आसपास में मिलती है पर 100 ग्राम में। कुछ 2-3 सब्जियां हैं जैसे कुकुम्बर, रेडिश, मूली और टमाटर वगैरह, इसमें 20 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम के आसपास होती है। तो इसमें काफ़ी कम कैलोरी होती है। तो हम एक जनरल आइडिया लेते हैं कि अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो उसमें 50 कैलोरी आपको पर 100 ग्राम में मिलेगी। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं नट्स का। नट्स मैंने आपको बता दिया है कि सारे नट्स में ऑन एन एवरेज लगभग 500 किलो कैलोरी के आसपास होती है। अब आती है बात बहुत ज़रूरी चीज़ की, वो है स्नैक्स, यानी कि नमकीन बिस्किट जो आप हमेशा डेली लेते हैं, ज़्यादातर लोग लेते हैं डेली अपने जब भी वो चाय पीते हैं या स्नैक्स में बीच बीच में वो खाते रहते हैं। तो हम मान के चलते हैं अगर आप डेली
100 ग्राम के आसपास स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट या नमकीन जो भी हैं, तो उससे आपको 500 कैलोरी पर 100 ग्राम के आसपास मिलती है। मैं कैलोरी या किलो कैलोरी कुछ भी बोल रही हूँ, इसका मतलब है किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी आपको उससे मिलती है। अब एक बात आती है ऑयल की। ऑयल में 100 ग्राम में 900 किलो कैलोरी होती है, और एक चम्मच घी या तेल जो होता है उससे आपको 45 तो याद करने में थोड़ा मुश्किल है, तो हम मान के चलते हैं 50, यानी एक चम्मच घी या तेल, देसी घी, बटर, कुछ भी आप लेते हो, उसमें 50 किलो कैलोरी आपको मिलती है। अब बात आती है एक चम्मच चीनी की, जो कि आप चाय में डालते हो या किसी भी शरबत वगैरह में डालते हो। एक चम्मच चीनी में 20 किलो कैलोरी होती है। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया, 100 ग्राम सीरियल 350, 100 ग्राम दाल 350, 100 ग्राम फ्रूट 50, 100 ग्राम वेजिटेबल 50, 100 ग्राम नट्स 500, 100 ग्राम तेल नहीं, एक चम्मच तेल 50 और एक चम्मच चीनी 20। तो ये एक आइडिया मैंने आपको कैलोरी का दे दिया है। आप चाहे तो इसको कागज़ पे प्लीज़ नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली डाइट कैलकुलेट करने में आसानी पड़े। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, जिसको आप लेके बहुत आसानी से सीख सकते हो अपनी कैलोरी को काउंट करना। आम तौर पे जो एक रोटी बनती है वो 30 से 40 ग्राम की होती है। एक बार में अगर एक आदमी दो रोटी खाता है, यानी कि 60 ग्राम के आसपास खाता है, और वो दो रोटी दिन में तीन बार खाता है, यानी कि 180 ग्राम का चलो ऑन एन एवरेज हमने लगा लिया, 200 ग्राम के आसपास वो व्हीट फ्लोर खाता है या कोई भी फ्लोर सीरियल का खाता है, 200 ग्राम वो फ्लोर खा रहा है। दो कटोरी दाल खाता है, जिसमें एक कटोरी दाल में लगभग 40 ग्राम के आसपास पल्स आती है, और दिन में दो बार खाता है, या वो किसी और फॉर्म में भी दाल को कंज्यूम करता है, तो ऑन एन एवरेज वो अगर 150 ग्राम दाल खा रहा है। वैसे 150 ग्राम दाल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हमें 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के आसपास चाहिए होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप बस याद रखिए कि ऑन एन एवरेज आप 150 ग्राम दाल कंज्यूम कर रहे हो दिन में, तो 100 ग्राम में 350, तो 200 ग्राम सीरियल में आप कितना कैलोरी खाओगे, उसका मतलब हो गया 700 किलो कैलोरी आप खा रहे हो। मेरे पास कागज़ पेंसिल पड़ा हुआ है, मैं लिखती जा रही हूँ, आपको मैं डिटेल्स बाद में इसकी दिखा दूँगी। ठीक है, सीरियल्स आपने 200 ग्राम खाया, 350 कैलोरी पर ग्राम में थी, तो 200 ग्राम में 700 कैलोरी होगी। 200 ग्राम आपने दाल खाई अगर दिन में, तो 700 कैलोरी खाई। 200 ग्राम आपने फ्रूट खाया दिन में, तो आपने जो है 100 किलो कैलोरी खाई। 200 ग्राम आपने वेजिटेबल खाई, तो आपने जो है 200 ग्राम थोड़ी ज़्यादा हो गई, आई थिंक 100 ग्राम ही खाता होगा इंसान, 100 ग्राम आपने खाई, तो आपने जो है 50 कैलोरी कंज्यूम की। इसके अलावा अगर आपने नट्स खाए 100 ग्राम, तो आपको नट्स में हम मान के चल रहे हैं 600 कैलोरी के आसपास होती है ऑन एन एवरेज, तो 100 ग्राम नट्स में 600 है, और आप 50 ग्राम खा रहे हो अगर, तो आप ले रहे हो 300 कैलोरी। इसके अलावा नमकीन आपने या कोई भी स्नैक्स वगैरह खाए 100 ग्राम के आसपास, तो आपको मिलेगी 500 कैलोरी। अब आप अगर तेल कंज्यूम करते हो पूरे दिन का, कितना तेल कंज्यूम करते हो, लगभग एक कटोरी में दो चम्मच तेल तो सभी डालते हैं, लगभग इतना हम मान के चल रहे हैं कि दिन में आप जो है 2000 कैलोरी के हिसाब से 200 कैलोरी आप कंज्यूम करते हो तेल से। ठीक है, और शुगर वगैरह अगर आप 4 चम्मच चीनी खाते हो, तो 80 कैलोरी आप जो है शुगर से कंज्यूम करते हो। तो हम टोटल लगाएंगे, इसका बनेगा आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मैंने बना दिया 2530 किलो कैलोरी का डाइट। ठीक है, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहती थी कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये आप हो सकता है जो मैं 200 ग्राम मान के चली हूँ वो आप 100 ग्राम खाते हो, जो चीज़ें मैं 50 ग्राम मान के चली हूँ वो आप 150 ग्राम खाते हो, इस तरह आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने जो अभी एक एवरेज लगा के बनाया वो 2500 कैलोरी के आसपास का डाइट चार्ट की मैंने कैलकुलेशन करी है। इस तरह मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप कंज्यूम करते हो जो डेली चीज़ें, उनकी कैलोरी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस एक मोटा मोटा आइडिया रखना है कि हर चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं 5-6 चीज़ें दिन में, उसमें कितनी ऑन एन एवरेज कैलोरी होती है, और वो आप चीज़ कितनी अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, तो उस अमाउंट में कितनी कैलोरी होती है, सबको ऐड कर दोगे तो आपका एक डाइट जो टोटल डाइट की जो आपकी कैलोरी होगी एक दिन में कंज्यूम करी हुई वो निकल के आ जाएगी। अब बात आती है वेट रिडक्शन की। ठीक है, अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो, तो जो आइडियल वेट रिड्यूस करने का पीरियड माना जाता है वो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट पीरियड में आप वेट रिड्यूस करते हो तो ये आपकी हेल्थ को हैम्पर कर सकता है, ये काम नहीं करना चाहिए। क्रैश डाइट भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, और अगर आप क्रैश डाइट फॉलो करते हो तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, पानी वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि आपका जो है बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए। अब हमें वेट रिड्यूस की, वेट रिड्यूस के लिए 500 किलो कैलोरी आपको डेली रिड्यूस करनी चाहिए, यानी कि एक महीने में आप 4 हफ्तों में
2000 कैलोरी रिड्यूस करोगे। 2000 कैलोरी अगर आप रिड्यूस करोगे तो इससे आपका एक महीने में आराम से कम 5 किलो वजन कम हो जाएगा। तो 500 किलो कैलोरी आप रिड्यूस कैसे करोगे? जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि हर चीज़ में कितनी कैलोरी होती हैं, उसके हिसाब से आप अपनी डाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो और अपने लिए खुद के लिए एक डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। खास तौर से ध्यान रखना, ऐसे टाइम पे सप्लीमेंट्स अगर आप ले सकते हो, कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स खा सकते हो, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो सकते हो आप उनका इंटेक कर सकते हो। और ऐसे में ध्यान रखें कि कभी भी कैलोरी जो आप कट करते हो वो फ्रूट और वेजिटेबल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में मिनरल्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो होप करती हूँ कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है कुछ भी आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।